हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज से शुरू हो रहा है नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से फास्ट शुरू हुआ है लोगों का, तो मैं सोची कि आज एक फास्ट की रेसिपी बनाऊं। तो ये मैंने आलू उबाल लिए थे, 2 सीटी कुकर में ले सकते हो। अगर ऐसे उबालना है तो आप अपने अंदाज से उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद मैंने इसको कट करके रख लिया। एक टमाटर ले लिया और एक मिर्ची ले ली हूँ, इसको काट के मैंने अच्छे से रख लिया था। फास्ट है तो फास्ट में ऐसी चीज़ें खाना पड़ेगा। इसमें कोई हल्दी नहीं होगा, कोई गरम मसाला नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं। ये बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी जैसे फास्ट में खाते हैं, और हर लोग अलग अलग तरीके से अपनी फास्ट की चीज़ें बनाते हैं। तो मैं आपको, मैं जो जानती हूँ बचपन में अपनी फैमिली के लिए बनाती थी, तो मुझे पता है फास्टिंग में तो मम्मी लोग ऐसे ही बोलते थे बनाने के लिए, तो मैं यही बनाती थी। तो चलिए इसकी रेसिपी फिर बनाते हैं हम लोग। एक कढ़ाई ले लेंगे। वैसे तो कई लोग घी यूज़ करते हैं, कोई रिफाइंड यूज़ करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं खाते जब तक आपका फास्ट ख़त्म नहीं हो जाता। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला था, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया। अब कई लोग जीरा खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। कोई लोग कड़ी पत्ता भी डालते हैं। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था मिर्ची। उसके बाद जो मैंने आलू कट करके डाला था दोस्तों, मैंने आलू इसमें डाल दिया। उसको मैं थोड़ा सा अब डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हर लोगों का अलग अलग फास्टिंग का तरीका होता है, तो आप लोग चेक करिएगा कि आपके यहाँ पे क्या चलता है। मेरे यहाँ पे ये चलता है तो मैं ये बना रही हूँ। नवरात्रि है, बहुत अच्छा दिन चल रहा है, एकदम पॉजिटिविटी है। मैंने टमाटर डाल दिया। अब कई लोग टमाटर खाते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो खाते हैं यूपी बिहार में। फिर मैंने ये सेंधा नमक और काली मिर्च को तोड़ के इसमें डाल दूँगी। इसमें नमक नहीं खाया जाता है दोस्तों, सेंधा नमक हमारे यहाँ खाते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद ये देखो खूबसूरती से ये आपका आलू इस तरीके से दिखेगा। ये बन के रेडी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू एवरीबॉडी। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।